की खबर में हम बड़ी कवरेज करने जा रहे हैं। हम ये मुद्दा उठाने जा रहे हैं कि इंसानियत आज शर्मसार है। सवाल सिर्फ कठुआ में नाबालिग के गैंगरेप का नहीं, सवाल सिर्फ उन्नाव में एक गैंगरेप का नहीं, और सवाल सिर्फ ये नहीं कि इन बलात्कार की घटनाओं को राजनीतिक शह मिल रही है। क्योंकि जब आप जघन्य अपराध को सही ठहराने की वजह ढूंढते हैं, जब आप ये कहने लगते हैं कि साहब ये उस वक्त हुआ था तो अब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उससे ज़्यादा शर्मनाक करने वाला कोई वजह नहीं हो सकती है। मगर आप हर तरफ आज की तारीख में नज़र डालें, चाहे आप कठुआ की बात करें, उन्नाव की बात करें, सूरत में एक नाबालिग की लाश मिली है और उसके साथ जघन्य गैंगरेप किया गया। रोहतक में एक स्कूल बैग के अंदर एक मासूम की लाश मिली है। बतौर समाज हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है। और जानते हैं इस बेबसी को कौन महसूस कर रहा है? इस बेबसी को महसूस पूरा देश तो कर ही रहा है। आपने देखा होगा किस तरह से लोग देश भर में कल निकल कर आए सड़कों पर। उन्होंने बलात्कार की इन जघन्य घटनाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया, चिंता जाहिर की। मगर अब चिंता जाहिर कर रहे हैं कुछ रिटायर्ड नौकरशाह, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स। 49 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है और उस खत में उन्होंने कटघरे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को रखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि देश में इस वक्त जो हालात हैं वो निहायत ही खौफनाक हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार पूरी तरह से अपने काम का निर्वहन करने में, अपनी जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम रही है, और इसके लिए सीधे उन्होंने कटघरे में न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को भी रखा है। ये नौकरशाह, जिनकी कोई पॉलिटिकल लीनिंग्स नहीं है, जो किसी सियासी दल से नहीं जुड़े हुए हैं, उनका ऐसा दावा है कि जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं बीजेपी के अंदर भी और सरकार के अंदर भी, सारी ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है, और ऐसे में अगर वो चीजों पर काबू नहीं कर पा रहे हैं तो सीधी जिम्मेदारी उनकी बनती है। उन्होंने इसे डार्केस्ट आवर कहा है देश का, एक काला वक्त, एक अंधकारमय वक्त। इन शब्दों का इस्तेमाल रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं जिनकी कोई सियासी लीनिंग्स नहीं है, जिनकी कोई पॉलिटिकल लीनिंग्स नहीं है, और अपने आप में चिंताजनक बात है। और आज मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, एक बहुत अहम दिन है आज। कठुआ गैंगरेप मामले में तमाम आरोपियों की कोर्ट में पेशी होने जा रही है अब से कुछ ही देर बाद, और एबीपी न्यूज आज की बड़ी खबर में इस पर बड़ी कवरेज करने जा रहा है। सभी आरोपियों की आज पेशी होगी, सुनवाई करीब 10 बजे होगी, और मैं आपको बता दूं मेरे सहयोगी अजय वाचलू और मनोज वर्मा दोनों कठुआ में हैं, आप तक पल पल की जानकारी पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रविवार को जम्मू और कठुआ के बार संगठनों से हड़ताल वापस लेने को कहा, जो कि आरोपियों के पक्ष में कर रहे थे, और 5 सदस्यीय एक टीम को कठुआ बलात्कार मामले में वकीलों के कथित कदाचार की घटना की जांच के लिए भेजने का निर्णय लिया है। इस टीम की अध्यक्षता हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश करेंगे। और यही नहीं, जैसे कि आप जानते हैं कि बीजेपी के दो मंत्री जो कि आरोपियों के पक्ष में रैली कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने अपनी कुर्बानी दे दी, क्योंकि हमें तो बीजेपी के एक नेता ने कहा था इस रैली में जाने के लिए जिसमें आरोपियों के समर्थन में नारे लगाए जा रहे थे। तो ये सवाल उठना लाजमी है, और ये सवाल आज हम 10 बजे उठाएंगे आज की बड़ी खबर में, कि आखिर वो कौन बीजेपी का नेता है जिसने इन दो मंत्रियों को कहा था बलात्कार के आरोपियों की रैली के पक्ष में जाने के लिए। क्योंकि अगर आपने उस रैली में, यहां दो चीजें उभर कर आ रही हैं, पहली बात, उस रैली में इनके दिए गए भाषण जिसमें उस सीधे तौर पर आरोपियों के पक्ष में बयान दे रहे हैं, यानी कि पूरी तरह से बीजेपी के उस झूठ का पर्दाफाश हो जाता है कि वो व्यापक या बड़े दूसरे मुद्दे उठा रहे थे पूरी तरह से, और आप देख रहे हैं कि इस मुद्दे पर कभी पाकिस्तान पर दोष मढ़ना, कभी कुछ और करना, इस तरह की तमाम बातें उभर कर आ रही हैं। तो ये जो दो मंत्री हैं जिनका इस्तीफा अब मंजूर कर लिया गया है, वो कहीं ना कहीं खुद बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि हम खुद नहीं जाना चाह रहे थे,
मगर हमें बीजेपी के एक नेता ने वहां जाने के लिए कहा। अब वो कौन नेता है जिन्होंने बलात्कारियों के पक्ष में दो मंत्रियों को जाने को कहा, ये सवाल उठना तो बहुत लाजमी है। और एक और बात कि इनके वो साउंड बाइट्स, इनके वो वक्तव्य सामने हैं इस वक्त जिसमें वो खुलेआम उस रैली में आरोपियों के पक्ष में कह रहे थे। और आज यही वजह है कि मैं कह रहा हूं कि इंसानियत जो है वो शर्मसार है। इंसानियत शर्मसार है क्योंकि जब समाज के तौर पर इस तरह की वारदातें एक के बाद तमाम उभर कर आती हैं तो हमारे लिए बहुत चिंता की बात है, और जब उसे राजनीतिक शह मिलती है उससे भी ज्यादा चिंता की बात हो जाती है। अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हम इन मुद्दों को उठा रहे हैं क्योंकि इसका सीधा सरोकार देश की जनता के साथ है। इससे देश का हर सभ्य व्यक्ति चिंतित है कि ऐसे लोगों को सियासी शह नहीं मिलनी चाहिए। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि कुछ देर के लिए कल्पना कीजिए कि अगर निर्भया के बलात्कारियों के पक्ष में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने रैली की होती तो हमें कैसा लगता, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मगर उस कठुआ गैंगरेप में उस लड़की के खिलाफ कुछ लोग मैदान में थे जो अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है। और आज इसकी कवरेज, बड़ी कवरेज हम 10 बजे करने जा रहे हैं क्योंकि इंसानियत बार बार शर्मसार हो रही है। और